अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी अपडेट लेकर आया हूँ, एहसास राशन प्रोग्राम के रिलेटेड ये अपडेट है। दोस्तों, जो एहसास राशन प्रोग्राम फेज टू है वो स्टार्ट हो गया, इसकी रजिस्ट्रेशन जारी है और दिसंबर के स्टार्ट में एहसास राशन प्रोग्राम जो रिलीफ है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन रहती है तो वो किस तरह अप्लाई करेंगे और एहसास राशन प्रोग्राम के बारे में मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ कर दूँगा कि आप एहसास राशन प्रोग्राम है क्या चीज़ और किस तरह आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, एहसास जो राशन प्रोग्राम है आपको इस पर, अगर किसी भी आप दुकान पर जाते हैं जो एहसास राशन प्रोग्राम में रजिस्टर है उस पर आप जाएंगे, आपको वो चीज़ें होंगी वो 30% डिस्काउंट पर मिलेंगी। 30% डिस्काउंट का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं, अगर वो 100 रुपये की है तो अगर आपको उस पर 30% डिस्काउंट मिलेगा वो आपको 70 की पड़ेगी। तो ये जो डिस्काउंट होगा, अगर आप कुछ चीज़ ले रहे हैं आपको 4 मेन आइटम पर ये डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप घी ले रहे हैं, आटा ले रहे हैं, इस तरह एक दो चीज़ें और लें, दाल वगैरह ले रहे हैं, तो आपको उन पर 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, एहसास राशन प्रोग्राम ये जो सब्सिडी होगी, आपको पहले 1000 रुपये थी, अब चौधरी परवेज अली ने एक अच्छा कदम उठाया, उसने 1000 से बढ़ाकर अब ये सब्सिडी कर दी है 1500 रुपये पर मंथ आपको ये सब्सिडी आपको मिलेगी। तो आप एहसास राशन प्रोग्राम जरिए 1500 पर मंथ सब्सिडी आपको ये मिलेगी जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो दोस्तों, एहसास राशन प्रोग्राम से 130 मिलियन लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे एहसास राशन प्रोग्राम के ज़रिए। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी है, दिसंबर के स्टार्ट में एहसास राशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों, जो खबर है एहसास राशन प्रोग्राम, जिन लोगों ने पीडीए की हुकूमत में, जब वफाक में भी पीडीए की हुकूमत थी, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली थी, तो अब उनको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो करा भी लेते हैं दोबारा अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, दोबारा भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई वो तो ज़रूर ही कराएं अपनी रजिस्ट्रेशन, मैं आपको आगे तरीक़ाकार बताऊंगा। तो इसके बाद दोस्तों, जो एहसास राशन प्रोग्राम है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कि इस एहसास राशन प्रोग्राम के लिए वो लोग एल हैं जिनकी सैलरी जो है वो 50,000 से कम है। तो वो सारे लोग जिनकी सैलरी 50,000 से कम है वो एहसास राशन प्रोग्राम के लिए एल हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन किस तरह करानी है। तो रजिस्ट्रेशन का तरीका कहा दोस्तों ये है कि आपने अपना सी एन एस सी 8171 पर मैसेज करना है। और इस बात का आपने दोस्तों ख्याल करना है कि जो सी एन एस सी जिस सिम पर आप मैसेज कर रहे हैं वो सिम उसी सी एन एस सी पर रजिस्टर हो, उसी सी एन एस सी से निकाली गई हो। तो इस बात का अपना खसूसी ख्याल रखना है। और आपने अपना सी एन एस सी किसी भी घर के बंदे का आप सी एन एस सी SMS कर सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस CNIC आप मैसेज कर रहे हैं जिस सिम पर, वो सिम भी उसी CNIC पर निकलवाई गई हो। तो इस तरह दोस्तों, आप अपनी जो एहसास राशन प्रोग्राम के लिए फेज़ टू जो स्टार्ट हो गया दिसंबर में, इससे आप मुस्तफ़ीद होंगे। तो अगर आपने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है तो जल्दी जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और एहसास राशन प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हों। तो दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए अगर आप देखना चाहते हैं इनफॉर्मेटिव, तो आपने वीडियो लाइक कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।